हेलो एवरीवन, आई समीश पाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट एन आई टी पॉलिटेक्निक नागपुर, वेलकम यू ऑल इन द कोर्स दैट इज थर्मल एंड इंजीनियरिंग हैविंग कोड 22337 फॉर थर्ड सेम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इन दिस कोर्स वी ऑलरेडी स्टार्टेड विद आर सिक्स चैप्टर दैट इज हीट ट्रांसफर एंड हीट एक्सचेंजर एंड today is the second lecture on sixth chapter and today's topic is conduction. Session outcome: after watching this video what you will be learn. आज का वीडियो देखने के बाद में आप क्या चीज़ सीखोगे वो एक बार देख लेते हैं। After watching this video the learner will be able to state Fourier's law of heat conduction. जो Fourier law है heat conduction के लिए, जो conduction mode अपन ने पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसमें Fourier law जो कंडक्शन काम करता है कौन से लॉ के ऊपर में काम करता है, फोरियर लॉ। तो फोरियर लॉ क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद में डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है वो आप डिफाइन करोगे। उसके बाद में डिफाइन थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखेंगे। और लास्टली अपन डिराइव करेंगे हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंपोजिट वॉल। और उसके बाद में अपन जो करेंगे वो है अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंपोजिट वॉल के ऊपर में। ये कुछ प्रोग्राम आउटकम्स हैं जो कि आज के वीडियो से सेटिस्फाई होंगे, ये इस वाले टेबल में दिया हुआ है। क्लियर है? चलो आज का टॉपिक अपन अपना स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हीट ट्रांसफ़र क्या होता है वो पढ़े थे। और उसके बाद में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़े थे, तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़े थे, कौन सा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो जो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र था वो क्या था कि एक पार्टिकल अपनी हीट दूसरे पार्टिकल को देता था, मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को हीट जाती थी, दूसरे से तीसरे को जाती थी, तीसरे से चौथे को जाती थी। ऐसा एक पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स क्या होती थी, हीट ट्रांसफ़र होती थी। और वो जो सब्सटेंस रहते थे एक दूसरे से कायम में रहते थे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते थे। तो उस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को बोलते थे अपन कौन सा, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो ये जो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है ये काम करता है अपने एक लॉ के ऊपर में जिसको बोला जाता है फोरियर्स लॉ, जिसको बोला जाता है फोरियर्स लॉ या फिर फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो देखते हैं फोरियर्स लॉ क्या बोलता है। फोरियर्स लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट फ्लो, फोरियर्स लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, रेट ऑफ हीट फ्लो is directly proportional to the area of the section and temperature gradient. Fourier's law क्या बोलता है कि जो भी एक का जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये एक मैंने एक स्लैब लिया, एक ये मैंने प्लेट लिया, तो ये प्लेट से जो हीट फ्लो होंगी, इस साइड से अगर हीट फ्लो हो रही है तो ये इस वाले साइड से वो हीट क्या होंगी बाहर निकलेंगी। तो ये जो हीट फ्लो हो रही है तो ये हीट को अपन डिनोट करते हैं कैसे, क्यू से। तो जितनी भी हीट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी, बोलते किसको, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिस भी प्लेट से जिस भी चीज़ से ये फ्लो हो रही है इसके एरिया को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसको, इस प्लेट के एरिया को एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। और टेम्परेचर ग्रेडियंट को डिनोट किया जाता है डी टी बाई डी एच। अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर में जो डी टी दिया हुआ है, ये ऊपर में जो डी टी दिया हुआ है, ये डी टी इज नथिंग बट होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर इस वाले पार्ट का, ये वाले साइड का जो टेम्परेचर रहेगा, ये कुछ टेम्परेचर रहेगा। सपोज करते हैं अपन इस वाले साइड का टेम्परेचर है टी वन और इस वाले साइड का टेम्परेचर है अपना टी टू, इस वाले साइड का अपना टेम्परेचर क्या है टी टू। तो ये डी टी जो है, ये डी टी क्या है, ये दोनों साइड के टेम्परेचर, ये वॉल का टेम्परेचर और ये वॉल के टेम्परेचर का डिफरेंस इज नथिंग बट होता है डी टी। और डी एक्स क्या होता है, ये जो लेंथ रहेंगी, ये जिस भी चीज़ से ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये लेंथ, ये जिस भी चीज़ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है इसकी ये लेंथ, ये दोनों के रेशियो को बोला जाता है क्या, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो फोरियर्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने पास में, वो ऑब्जेक्ट से जो हीट फ्लो हो रही हो, ऑब्जेक्ट से हीट फ्लो हो रही हो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी वो ऑब्जेक्ट के एरिया को, इसको काय को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी, वो ऑब्जेक्ट के एरिया को और उसके टेम्परेचर ग्रेडियंट को। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट में बताया टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, रेशियो है किसका, डिफरेंस इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ जिससे हीट फ्लो हो रही है। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर कैसे, ये यहाँ पर एक साइड में, ये वॉल के एक साइड में कितना टेम्परेचर है, ये वॉल के दूसरे साइड में कितना टेम्परेचर है, इसका अपन टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे तो अपने को मिलेगा डी टी। और ये जो लेंथ से फ्लो हो रही है, जिससे लेंथ से फ्लो हो रही होंगे, ये है अपना डी एक्स।
यहाँ पर इस तरीके से लिखा है द रेट ऑफ हीट फ्लो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और डी टी बाय डी एक्स, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। अगर अपने को ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, अगर अपने को ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो अपने को एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अगर ये अपने को ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है अगर ये हटाना है तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है और उस कांस्टेंट को बोला जाता है के। उस कांस्टेंट को अपन डिनोट करते हैं कैसे, के से। उस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं अपन के से, और ये जो के रहता है ये इसको बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये के को क्या बोला जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये के को क्या बोलते हैं अपन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो हरदम याद रखना, तो द रेट ऑफ हीट फ्लो, अगर अपने को फूरियस लॉ, अपने को हीट फ्लो निकालना है थ्रू कंडक्शन, कंडक्शन जो प्रोसेस है उससे कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, कंडक्शन प्रोसेस से कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, के मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डी टी बाय डी एक्स। और डी टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, डी एक्स क्या है, कितने लेंथ से वो हीट फ्लो हो रही है। तो इस वाले इसको बोला जाता है फूरियस लॉ। समझ में आया सबको, तो वेयर क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, एक मिनट में कितनी हीट फ्लो हो रही है ये बॉडी से, ये डिनोट करता है क्यू। उसके बाद में ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ हीट फ्लो, ये जो भी बॉडी है ये बॉडी का क्या है, सरफेस एरिया। और वो एरिया कैसे रहना है, इट इज टेकन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हरदम ये वाले डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो एरिया रहेंगे ये किसका रहेंगे अपन, राइट एंगल, ये डायरेक्शन के राइट एंगल का, ना कि पता चल रहा है हीट इधर से जा रहा है, एरिया अपन ये वाले साइड का ले रहे, ऐसा एरिया चलेगा नहीं। एरिया कौन सा रहना है, इट इज टेकन एज राइट एंगल, हरदम जहाँ से भी हीट फ्लो होंगी जिस डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन के राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्लियर है। उसके बाद में डी टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू फेसेज ऑफ बॉडी। जैसा बताया मैंने, ये एक बॉडी थी तो ये बॉडी का ये एक फेस हो गया, ये बॉडी का ये एक फेस हो गया, इस साइड से हीट फ्लो हो रही है, और ये बॉडी का ये दूसरा फेस हो गया, तो ये बॉडी के दोनों फेसेस का टेम्परेचर डिफरेंस इज नथिंग बट डी टी। उसके बाद में डी एक्स क्या है, थिकनेस ऑफ बॉडी थ्रू विच हीट फ्लो। जैसा मैंने बताया ये बॉडी है, ये बॉडी की ये थिकनेस है, ये बॉडी की ये थिकनेस है, तो ये जो थिकनेस से हीट फ्लो हो रही है ये होती है अपनी थिकनेस ऑफ हीट फ्लो, और इट इज टेकन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और ये कहाँ पे लिया जाता है अपना, हरदम अलॉन्ग द डायरेक्शन, ये जिस वाले डायरेक्शन में अपना हीट फ्लो हो रहा है वही डायरेक्शन की अपने को क्या करना है, थिकनेस लेना है। इस वाले डायरेक्शन, अगर ये वाले डायरेक्शन में फ्लो होती थी अपनी हीट तो अपन थिकनेस कौन सी लेते थे, ये वाली, अपन थिकनेस कौन सी लेते थे, इस वाली, ये वाली अपनी थिकनेस रहती थी। तो जिस डायरेक्शन से हीट फ्लो होंगी उसी डायरेक्शन की अपने को क्या लेना है, थिकनेस लेना है। याद रखना, जिस डायरेक्शन से हीट फ्लो होंगी उस डायरेक्शन की थिकनेस लेना है, एरिया कौन सा लेना है, जिस डायरेक्शन की हीट फ्लो होंगी उस डायरेक्शन के राइट एंगल वाला अपने को क्या लेना है, एरिया लेना है, क्लियर है। उस डायरेक्शन के राइट एंगल वाला अपने को क्या लेना है, एरिया लेना है। उसके बाद में के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के क्या है अपना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बॉडी, जिसको बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बॉडी। के को अपन ने बताया क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बॉडी। ये बॉडी जिस वाले भी मटेरियल से बना रहेगा, ये बॉडी जिस वाले मटेरियल से बना रहेगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी उसके हिसाब से रहेंगी। अगर ये बॉडी कॉपर से बना हुआ है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और रहेंगी, अगर ये बॉडी ग्लास से बना हुआ है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और रहेंगी, अगर ये बॉडी ऊट से बना हुआ है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी और रहेंगी। तो हर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी जो रहेगी, ये अपने को अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो थर्मल कंडक्टिविटी अपने को क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो हरदम याद रख रहा था के को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बॉडी। तो के क्या है अपना, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बॉडी। तो समझ में आया सबको फूरियस लॉ क्या है, फूरियस लॉ क्या बोलता, जितनी भी हीट एक आध बॉडी के अंदर से जितनी भी हीट फ्लो हो रही है वो हीट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी, वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी, वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी उसके एरिया को, वो बॉडी के एरिया को और उसके टेम्परेचर ग्रेडियंट को। और टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब मैंने बताया, टेम्परेचर ग्रेडियंट किसको बोलते हैं अपन, डी टी बाय डी एक्स। टेम्परेचर ग्रेडियंट किसको बोलते हैं अपन, डी टी बाय डी एक्स को। और डी टी क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू फेसेस ऑफ दी बॉडी। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, डी टी, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू फेसेस ऑफ बॉडी। और डी एक्स क्या है अपना, थिकनेस ऑफ बॉडी थ्रू विच हीट फ्लो, जिस वाले बॉडी से हीट फ्लो हो रही है उसकी थिकनेस को अगर अपन ने उसके वो बॉडी का जिस। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। अभी देखिए अपन ने के को बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी या प्रोपोर्शनलिटी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कोई बॉडी की मतलब क्या, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। ये ऐसी एबिलिटी है कोई मटेरियल की कि अपने से हीट पास होने देने की, कौन सा मटेरियल कितनी अपने अंदर से हीट को
पास होने देता है उस चीज़ को बोला जाता है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब सभी को समझ में आया क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। कोई भी मटेरियल की कितनी काबिलियत है अपने से हीट को पास होने देने की, ये चीज़ बताई जाती है अपने को किससे, थर्मल कंडक्टिविटी से। ये चीज़ किससे पता चलती है अपने को, कोई भी मटेरियल की क्षमता कितनी है, कितनी हीट को अपने से पास होने देने की क्षमता है, ये कौन से प्रॉपर्टी से पता चलती, मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी से पता चलती। क्लियर है, इट इज़ डिनोटेड बाय, कि अभी बताया मैंने थर्मल कंडक्टिविटी आपको कैसे डिनोट करते हैं, और एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या रहेगी हरदम, वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। क्लियर है, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या रहेगी हरदम, वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट, और इट इज़ डिनोटेड बाय के। किससे डिनोटेड किया जाता है थर्मल कंडक्टिविटी को, के से, एंड एक्सप्रेस्ड इन वैट पर। तो यूनिट क्या है थर्मल कंडक्टिविटी की, वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन यूनिट है किसकी, थर्मल कंडक्टिविटी की। नेक्स्ट चीज़ है थर्मल रेजिस्टेंस। अभी थर्मल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जैसा अपन ने देखे कि ये एक बॉडी मैंने कंसिडर किया था, ये बॉडी से क्या हो रहा है, इस वाले साइड से हीट फ्लो हो रही है और इस वाले साइड में वो हीट निकल रही है। ये वाले थर्मल कंडक्टिविटी में क्या हो रहा था, इस वाले साइड से हीट फ्लो हो रही है, ये वाला जो फेस था इससे हीट फ्लो हो रही है और इस वाले साइड में हीट फ्लो हो रही है। पर इधर जो 100, अगर यहाँ से 100 हीट फ्लो हो रही होगी तो इधर पूरी 100 नहीं आएंगी, इधर क्या होंगी, हो सकता है इधर 90 आए, 85 आए, हो सकता है इधर क्या है 90 आए, 85 आए। तो ये जो हीट कम हो रही है, ये जो हीट, जब हीट एक साइड से फ्लो के दूसरे साइड में जब निकल रही है, जब कम हो रही है, तो ये काय के कारण से कम हो रही है, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल जो है इस, ये मटेरियल क्या कर रहा है, वो हीट को फ्लो होने के लिए रजिस्ट कर रहा है, वो हीट को फ्लो होने के लिए रजिस्ट कर रहा है, उस चीज़ को बोला जाता है थर्मल रजिस्टेंस। जो चीज़ रजिस्ट करती है हीट को फ्लो होने के लिए उसको बोला जाता है थर्मल रजिस्टेंस। तो थर्मल रजिस्टेंस क्या है, थर्मल रजिस्टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ, ये मटेरियल की जो लेंथ रहेंगी, ये मटेरियल की जो लेंथ रहेंगी वो एक तो रजिस्ट करेंगी, जितनी ज़्यादा लेंथ रहेंगी उतना हीट क्या होगा, उतनी ज़्यादा कम फ्लो होंगी, इसकी लेंथ रजिस्ट करेगा। उसके बाद में ये मटेरियल का एरिया, ये जो बॉडी रहेगा इसका एरिया एंड थर्मल कंडक्टिविटी अपवर्ड टू दी हीट ट्रांसफ़र। अगर ये बॉडी की हीट ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो यहाँ से हीट क्या होगी, ज़्यादा फ्लो होगी, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्लो होगी, अगर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर कम है तो यहाँ से हीट क्या होगी, कम फ्लो होगी। तो ये याद रखने का हरदम, और थर्मल रेजिस्टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ, एरिया एंड थर्मल कंडक्टिविटी अपवर्ड टू दी हीट ट्रांसफ़र। क्लियर है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ, एरिया एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफर्ड टू दी हीट ट्रांसफ़र। क्लियर है, तो ये दोनों डेफिनेशन आप हरदम याद रखना कि थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछता है। क्लियर है, नेक्स्ट चीज अपने को जो पढ़ना है वह है हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट वॉल। मैंने बताया कि अपने को कंपोजिट वॉल, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर में एक बहुत सारे मटेरियल रहना, एक के ऊपर में एक बहुत सारे, अगर कोई चीज़ बहुत सारे मटेरियल से बनी हुई है, एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी हुई है कोई चीज़, तो उसको बोला जाता है कंपोजिट। एक से ज़्यादा मटेरियल से अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो उसको बोला जाता है कंपोजिट। तो अगर कोई एक से ज़्यादा मटेरियल से कोई चीज़ बनी हुई है उसको कंपोजिट बोला जाता है। तो उससे जो हीट ट्रांसफ़र होगी कंडक्शन से, कैसे हीट ट्रांसफ़र होगी कंडक्शन से, वो अपने को देखना है, उसको अपने को देखना है कि हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट वॉल। कंपोजिट वॉल से अगर हीट कैसे ट्रांसफ़र होंगी, कोई मटेरियल से कंपोजिट वॉल से हीट कैसे ट्रांसफ़र होंगी थ्रू कंडक्शन, कौन से मोड से कंडक्शन से, तो वो देखते हैं। तो क्या करते हैं, कंसीडर अ कंपोजिट वॉल, अपन क्या कर रहे हैं, कंपोजिट वॉल कंसीडर कर रहे हैं, कंपोजिट वॉल कंसीडर कर रहे हैं, मतलब उसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा मटेरियल रहेंगे और वो कंपोजिट वॉल कितने इससे बनी हुई है, यहाँ पे लिखा है अपन ने ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल, दो डिफरेंट मटेरियल अपन ने इसमें कितने मटेरियल कंसीडर किए, दो डिफरेंट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल थ्रू विच हीट इज बिंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, और वो दोनों मटेरियल से क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है कैसे, कंडक्शन से। क्लियर है, अपन ने कंपोजिट वॉल लिए जो दो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है और उससे हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू कंडक्शन एज शोन इन फिगर। जैसे ये फिगर में दिख रहा है, ये जो पहला एक दिख रहा है, ये डॉट डॉट जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये एक पहला मटेरियल है, ये मटेरियल वन है अपना, ये जो डॉट डॉट है ये मटेरियल वन है, ये अपन ने एक मटेरियल कंसिडर करी, और ये हैचिंग लाइन जो दिख रही है ये मटेरियल टू है, ये पहला जो है ये अपना मटेरियल वन है, और ये सेकंड जो दिख रहा है वो अपना मटेरियल टू है। तो इसमें देखते हैं अपन ने क्या क्या, तो सेकंड चीज अपन ने क्या किया, लेट एक्स वन, ये जो एक्स वन है ये क्या है अपना थिकनेस है फर्स्ट मटेरियल की। क्लियर है, जैसा अपन ने इसको मैंने बताया था ना, ये डॉट डॉट वाला कौन सा मटेरियल है अपना, ये पहला मटेरियल है, और ये हैचिंग वाला अपना कौन सा है मटेरियल, दूसरा मटेरियल है।
क्लियर है। तो इसमें जो एक्स वन जो है, ये एक्स वन है, ये क्या है अपने थिकनेस है, किस कौन से मटेरियल की, अपने फर्स्ट मटेरियल की। उसके बाद में के वन, जैसा मैंने बताया कि ये वाले मटेरियल का, हर मटेरियल की खुद की थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो ये जो फर्स्ट मटेरियल है इसकी खुद की क्या रहेंगी, कुछ थर्मल कंडक्टिविटी रहेंगी, तो जिसको मैंने डिनोट किया कैसे, के वन से। तो थर्मल कंडक्टिविटी के वन इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट मटेरियल। उसी तरीके से एक्स टू और के टू की वैल्यू रहेंगी कौन सा, सेकेंड मटेरियल की। तो एक्स टू क्या रहेगा, थिकनेस ऑफ सेकेंड मटेरियल, ये जो X2 है ये क्या रहेंगी, थिकनेस ऑफ सेकेंड मटेरियल। और उसी तरीके से ये मटेरियल की भी कुछ तो भी थर्मल कंडक्टिविटी रहेंगी, जिसको अपन K2 से डिनोट करते हैं। तो क्लियर है, समझ में आ गया। अपन ने X1 क्या लिया, थिकनेस ऑफ फर्स्ट मटेरियल है, K1 क्या है, ये मटेरियल की कुछ तो भी थर्मल कंडक्टिविटी है, X2 क्या है, थिकनेस ऑफ सेकेंड मटेरियल, और अपना जो K2 क्या है वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सेकेंड मटेरियल, ये चीज़ अपन ने कंसिडर किए। उसके बाद में T1 एंड T3 टेम्परेचर ऑफ टू आउटर सर्फेस, ये देखो ये पूरा कंपोजिट मटेरियल अगर अपन कंसीडर करेंगे तो ये एक सरफेस हो गया कंपोजिट मटेरियल का, और इसके बाहर का ये दूसरा सरफेस हो गया। कंपोजिट मटेरियल बोले तो दो मटेरियल से बना हुआ था, ये वाले मटेरियल का ये वाला जो साइड रहेगा ये एक सरफेस हो गया, और ये वाला जो है ये दूसरा सरफेस, तो ये दोनों क्या, आउटर सरफेस। इसमें ये जो इधर साइड में जो टेम्परेचर ये T1, ये कौन सा आउटर सरफेस का टेम्परेचर है T1, और इधर साइड में कौन सा टेम्परेचर है T3, इधर साइड पे कौन सा टेम्परेचर T3। तो T1 और T3 क्या है, टेम्परेचर ऑफ टू आउटर सरफेस, ये अपन ने कंसीडर किया। उसके बाद में T2 क्या है, टेम्परेचर एट द जंक्शन पॉइंट, ये जो दोनों मटेरियल जहाँ पे चिपक के हुए दिख रहा है, ये दो मटेरियल ये वाले पोजीशन के ऊपर में चिपके हुए, दोनों मटेरियल कौन से पोजीशन के ऊपर में चिपके हुए, तो ये दो मटेरियल जहाँ पे चिपके हुए ये वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट पे जहाँ पे चिपके हुए, तो यहाँ का टेम्परेचर अगर अपने को कंसीडर करना है तो ये वाला टेम्परेचर कौन सा रहेगा अपना, टेम्परेचर T2, ये वाला टेम्परेचर कौन सा रहेगा, टेम्परेचर T2। तो जिसको बोलेंगे टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट, या इसको बोला जाता है कभी कभार इंटरमीडिएट टेम्परेचर, इसको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर, क्लियर है। इसको कभी कभार अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट टेम्परेचर, टेम्परेचर जंक्शन पॉइंट, मतलब जो दो मटेरियल जहाँ पे चिपक रहे वो वाले पॉइंट, वो जंक्शन के ऊपर पे जो टेम्परेचर रहेगा उसको बोला जाता है टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट या इंटरमीडिएट टेम्परेचर। तो ये चीज़ें अपन ने कंसीडर की है। फिर उसके बाद में ए क्या है, अपना सरफेस एरिया ऑफ वॉल, ये पूरा जो जितना भी ये कंपोजिट मटेरियल है, ये कंपोजिट मटेरियल के एरिया को अपन ने डिनोट किया कैसे, सरफेस एरिया ऑफ वॉल से, कैसे डिनोट किया अपन ने, सरफेस एरिया ऑफ वॉल से। तो ये एक एक मटेरियल, पहले मटेरियल को अपन फूरियर्स लॉ लगाते इसमें कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है वो निकालते, दूसरे मटेरियल में फूरियर्स लॉ लगाते उसमें कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है वो निकालते, और फिर कंबाइन अपन निकालेंगे क्या कि कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है या कंपोजिट मटेरियल से, क्लियर है। तो देखते हैं इसमें नाउ अज्यूमिंग, क्या अज्यूम किया मैंने, T1 इज हायर देन T2, यहाँ पे मैंने ये अज्यूम किया कि ये जो पहला मटेरियल मैंने कंसीडर किया, तो पहले मटेरियल में टेम्परेचर कौन सा है, ये वाले पॉइंट के ऊपर में टेम्परेचर T1 है, ये वाले पॉइंट के ऊपर में जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो मटेरियल वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T2 है। इसमें से मैंने अज्यूम किया कि जो पहला टेम्परेचर T1 इसकी, इसका टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है किससे, T2 से, T1 इज हायर देन T2, द हीट विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन फिगर। इसी कारण से अपने को पता है हरदम हीट कहाँ से फ्लो होती है, हायर से लोअर की तरफ, हरदम अपनी हीट कहाँ से फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो T1 अगर हायर है और T2 कम है तो अपनी हीट कहाँ पे फ्लो होंगी, ये लेफ्ट साइड से फ्लो होना स्टार्ट होंगी, कहाँ पे, राइट साइड की तरफ, तो ये यहाँ पे फ्लो हो रही है लेफ्ट साइड से राइट साइड। उसके बाद में क्या था, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू सेक्शन 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू सेक्शन 2। हाँ, इसके बाद में स्टेडी स्टेट कंडीशन, ये एक कंडीशन होती है, इसमें आपको याद रखना है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा कि जितनी हीट ये पहले मटेरियल से ट्रांसफर होंगी, स्टेडी स्टेट कंडीशन के हिसाब से जितनी हीट ये पहले मटेरियल से ट्रांसफर होंगी उतनी हीट अपनी कौन से मटेरियल से ट्रांसफर होंगी, सेकेंड मटेरियल से भी ट्रांसफर होंगी। ये अपने को हरदम याद रखना है कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है कि जितनी हीट पहले मटेरियल से ट्रांसफर होती है उतनी हीट कौन से मटेरियल से ट्रांसफर होती है, अपने सेकेंड मटेरियल से भी ट्रांसफर होती है। तो वी नो दैट हीट फ्लो थ्रू सेक्शन 1, इसके कारण से अपना हीट फ्लो अपने को क्या करना है, अभी ये जो फर्स्ट मटेरियल है इसमें अपने को फूरियर्स लॉ लगाना है। तो फूरियर्स लॉ मैंने बताया था क्या था, क्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे पहले मटेरियल के लिए लगा रहे हैं इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहेगी, K1। एरिया तो पूरे मटेरियल का सेम ही रहेगा इसलिए यहाँ पे एरिया। उसके बाद में DT था, DT क्या बताया मैंने, टेम्परेचर डिफरेंस दो फेज के बीच में का, ये फेज का टेम्परेचर कितना अपना T1 और ये फेस का टेम्परेचर कितना अपना T2। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, T1 - T2, ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, T1 - T2, और डिवाइडेड बाय क्या था अपना DT, DX क्या था अपना थिकनेस,
ऑफ मटेरियल। तो अपन फर्स्ट मटेरियल की थिकनेस कितनी है अपनी एक्स वन, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स वन। तो यहाँ पे हीट कितनी फ्लो हो रही है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, के वन मल्टीप्लाई बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर डिफरेंस क्या, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई एक्स वन। ये टी वन माइनस टी टू मैं इक्वल्स टू के एक साइड ला लेता हूँ, बाकी चीज़ें इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेके जाता हूँ। तो ये पूरा एक्स वन जो है ये डिवाइड में ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा क्यू इन टू एक्स वन, और ये T1 माइनस T2 को K1 और A1 के आई में था अपना मल्टीप्लाई में था, तो ये इक्वल्स टू के इधर साइड में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया A1 इंटू X1। तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू क्या हो गया Q इंटू X1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू K1, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर वन। तो ऐसे ही अपने को फिर से क्या लगाना पड़ेगा सेक्शन टू से के लिए हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा सेक्शन टू के लिए क्यू इंटू एक्स टू, क्योंकि ये मटेरियल का टाइम अपना थर्मल कंडक्टिविटी कितना था सेकंड मटेरियल की एक्स टू, तो यहाँ पे आ जाएंगे एक्स टू मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो सेम रहेगा कंपोजिट है, और दो फेज डी टी बोले तो दो फेज का टेम्परेचर डिफरेंस थी, ये वाला एक फेज से ये वाले मटेरियल का, ये वाले एक फेज थे, तो इधर साइड में टेम्परेचर कितना है टी टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने टी टू माइनस इधर साइड में टेम्परेचर कितना है मेरा टी थ्री, तो इधर साइड में लिख दिया मैंने टेम्परेचर टी थ्री। और डी एक्स बोले तो क्या था अपना थिकनेस, तो थिकनेस ऑफ सेकेंड मटेरियल कितना है अपना एक्स टू, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा एक्स टू। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया के टू मल्टीप्लाई बाई एरिया टी टू माइनस टी थ्री डिवाइडेड बाई एक्स टू। यहाँ से मेरे को ये T2 माइनस T3 की वैल्यू निकालना है, तो T2 माइनस 3 थी एक साइड में लिया, X2 इधर डिवाइड में था तो इधर साइड में लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा तो Q इंटू X2 डिवाइडेड बाय A इंटू X2, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर टू। तो अभी मैंने इसके पहले जो इक्वेशन दिया था इक्वेशन नंबर वन, और अभी जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया, तो इधर साइड में क्या आया मेरा T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस 3 थी लेफ्ट हैंड साइड हो गया इक्वल्स टू, इधर साइड में क्या था क्यू एक्स वन डिवाइडेड बाय ए वन इंटू एक्स वन प्लस Q X2 मल्टीप्लाई बाई ए टू इंटू ई टू। तो यहाँ पे देखो ये माइनस टी टू और ये प्लस टी टू, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, माइनस टी टू प्लस टी टू, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा T1 माइनस T3, क्या बचा यहाँ पे T1 माइनस T3। अभी ये वाले इक्वेशन में देखो ये वाला इसमें और ये वाले इसमें देखो आपको क्या दिखाऊंगा, Q कॉमन है दोनों में क्या है Q कॉमन, तो यहाँ पे मैंने Q को कॉमन निकाला, और दोनों साइड में देखो इधर साइड में ये डिवाइड में A कॉमन है, ये वाले भी डिवाइड में A कॉमन है, तो Q by A मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ से क्या बचा मेरा X1 by K1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने X1 by K1 बचा मेरा, यहाँ से क्या बचा मेरा X2 by K2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अगर मेरे को Q की वैल्यू निकालना है सिर्फ, तो Q को मैंने इक्वल्स टू के एक साइड में लेके गया, ये एरिया यहाँ पर क्या था इसके साथ में Q के डिवाइड में था, अगर इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपना T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा अपना X1 बाय K1 प्लस X2 बाय K2, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया अपने को हीट ट्रांसफर टू कंपोजिट वॉल। तो अगर अपने को कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है अगर हीट ट्रांसफर टू कंपोजिट वॉल, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन कभी नहीं पूछता, ये डेरिवेशन आपको याद भी नहीं रखना, आपको याद रखना है क्या Q इक्वल्स टू A T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाय X1 बाय K1 प्लस X2 बाय K2। पर अगर यहाँ पे अभी कितने दो मटेरियल है, इसलिए अगर तीसरा मटेरियल रहता है यहाँ पे और एक मटेरियल रहता तो ये इसका आउटर टेम्परेचर कितना हो जाता T3 के जगह पे यहाँ पे आउटर टेम्परेचर आ जाता अपना T4, यहाँ पे आउटर टेम्परेचर कितना आ जाता अपना T4। तो ये अगर यह फॉर्मूला बनता तीन मटेरियल के लिए तो क्या हो जाता है A, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है A आउटर टेम्परेचर, दोनों आउटर टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो जाएगा T1 माइनस T4, आउटर टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, तो T1 ये वाले सरफेस का आउटर कितना T1 और इधर का कितना होगा T4। और यहाँ पे अभी ये रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे दो मटेरियल थे, एक पहला मटेरियल यहाँ पे दूसरा मटेरियल, यहाँ पे अपन ने कितना तीन मटेरियल लिए, तो रेजिस्टेंस भी कितने मटेरियल का तीन, यहाँ पे क्या होगा एक्स वन डिवाइडेड बाय के वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय के टू प्लस तीसरे मटेरियल का आएगा क्या X3 डिवाइडेड बाय K3। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये अपना क्या बढ़ते रहेगा, जितने मटेरियल रहेंगे उतने के लिए क्या होगा बढ़ते रहेंगे। तो फॉर्मूला हरदम याद रखने का सबसे आसान तरीका रखो क्या, Q इक्वल्स टू एरिया को हरदम सेम ही रहेगा, जितने मटेरियल है वो मटेरियल का आउटर टेम्परेचर का डिफरेंस, ये वाले साइड में हरदम T1 रहेगा, अगर इधर तीन मटेरियल है तो ये वाले साइड में T4 रहेगा, अगर चार मटेरियल रहेंगे तो T5, जितने मटेरियल है उसके एक ऊपर का, ये T1 माइनस T5 डिवाइडेड बाय जितने मटेरियल का रेजिस्टेंस है, अगर तीन मटेरियल है तो यहाँ पे क्या आएगा X1 बाय K1 प्लस X2 बाय K2 प्लस X3 बाय K3, अगर चार मटेरियल है तो X1 बाय K1 प्लस X2 बाय K2 प्लस X3 बाय K3। तो ये वाला इस तरीके से अपना क्या रहेगा
चलते रहेगा, ये वाले अपना इस तरीके से अपना जो थर्मल रेजिस्टेंस है चलते रहेगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके ऊपर में एक हरदम 100% 6 मार्क का न्यूमरिकल कंपलसरी एग्जाम में पूछता है, हरदम 6 मार्क का न्यूमरिकल, बहुत ईजी न्यूमरिकल होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जितना क्यू इक्वल्स टू ये बता दिया मैंने, टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों आउटर सरफेस का, ये रेजिस्टेंस है पहले मटेरियल का, ये रेजिस्टेंस है दूसरे मटेरियल का, अगर तीसरा मटेरियल है तो यहाँ पे तीसरा मटेरियल का भी रेजिस्टेंस आएगा। तो इस वाली चीज़ को आपको हरदम याद रखना है, इस वाली चीज़ को हरदम आपको क्या रखना है, अपने दिमाग में बैठा के याद रखना है इस वाले फॉर्मूले को। क्लियर है, तो समझ में आया सबको? तो चलिए अपन अभी अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अभी तक के अपन ने जो देखा था वो क्या था, डेरिवेशन था, हीट निकालना, हीट ट्रांसफर निकालना थ्रू कंपोजिट वॉल। अभी अपन उसी के ऊपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और वॉल ऑफ रेफ्रिजरेटेड 1.8 mm ऑफ स्टील से बना हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने को कभी भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ता है उसको Q1। तो चलो अपन अपना न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले अपने को कभी भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ता है उसको Q1। तो चलो अपन अपना न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जैसा अभी अपन ने इसके पहले वाले स्लाइड में क्या देखे कि अपन ने फॉर्मूला देखे एक डेरिवेशन सॉल्व के लिए हीट कंडक्शन थ्रू कंपोजिट स्लैब का, उसमें मैंने लास्ट में एक फॉर्मूला बताया आपको, कौन सा फॉर्मूला बताया, क्यू का, क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, टेम्परेचर T1 - T4 या T3 या T2, जितना भी आउटर टेम्परेचर है, इनर साइड का आउटर टेम्परेचर या आउटर साइड का आउटर टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा, पहले मटेरियल की लेंथ डिवाइडेड बाय पहले मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी, उसी तरीके से दूसरे मटेरियल की लेंथ फिर डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सेकेंड मटेरियल, ऐसे करके अपन ये फॉर्मूला देखे। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, ये जो अपने फॉर्मूला देखे इसके ऊपर में अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपने देखे तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में क्या करना पड़ता, सबसे पहले निकालना पड़ता गिवन। तो सबसे पहली स्टेप अपनी रहती है गिवन डाटा निकालना, सबसे पहली स्टेप रहती है अपना गिवन डाटा निकालना। तो गिवन डाटा में देखो अपने को क्या दिया हुआ है, द वॉल ऑफ रेफ्रिजरेटर वैन ऑफ 1.8 mm ऑफ स्टील शीट एट आउटर सरफेस। जब भी आउटर सरफेस बोला तो वो चीज अपन कहां पे बनाएंगे, राइट हैंड साइड में, कहां पे बनाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो एक रेफ्रिजरेटर की वॉल है जो है कितना 1.8 mm कैसे बनी हुआ है, 1.8 mm, इसकी जो अपना थिकनेस दिया है वो दिया हुआ अपने को 1.8 mm, और ये बना हुआ कैसे, स्टील से, क्लियर है। उसके बाद में बोलता 12 mm प्लाउड एट इनर सरफेस, इनर सरफेस खत्म बोलेगा तो इनर सरफेस कहां पे बनाना है आपको, लेफ्ट साइड में, राइट आउटर बोला तो राइट साइड में, इनर बोला तो लेफ्ट साइड में, और ये क्या क्या है, लाउड है, और इसकी जो थिकनेस दिया हुआ आपको दिया हुआ कितना 12 mm, ये थिकनेस दिया हुआ आपको 12 mm, और क्या बोलता है, एंड 2 cm ऑफ ग्लास वूल इन बिटवीन, ये दोनों के बीच में क्या डाला हुआ है, 2 cm का ग्लास वूल, ये दोनों के बीच में क्या डाला है, 2 cm का ग्लास वूल, ये दिया हुआ आपको 2 cm का ग्लास वूल डाला है ये दोनों के बीच में, क्लियर है। उसके बाद में बोलता कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट फ्लो, कैलकुलेट बोला मतलब टू फाइंड सबसे पहली चीज क्या बोला, रेट ऑफ हीट फ्लो, क्या निकालने को बोला आपको, रेट ऑफ हीट फ्लो जब भी निकालने बोलेगा, मतलब आपको निकालने बोला है क्या, क्यू बाय ए, रेट ऑफ हीट फ्लो निकालने बोला है, मतलब निकालने बोला है क्यू बाय, इफ द टेम्परेचर एट इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस आर -10°C एंड 22°C। ये पूरे डायग्राम में मैंने बताया इनसाइड वाला कौन सा रहेगा, लेफ्ट साइड से इनसाइड रहता है, राइट साइड से कौन सा रहता है अपना आउटसाइड, इनसाइड टेम्परेचर दिया -10°C और आउटसाइड टेम्परेचर दिया हुआ अपने को 22°C। उसके बाद में बोलता टेक के ऑफ स्टील, मैंने बताया था जब अपने डेरिवेशन पढ़े वहां पे के क्या होता है, के होता है थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है अपने को, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील दिया है 23.2 W/m³। उसके बाद में के फॉर ग्लास, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर ग्लास वूल अपने को दिया हुआ है कितना, 0.14 W/m³। और लास्ट ये अपने को दिया है के फॉर प्लाउड, प्लाउड के लिए
थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है वो कितना 0.052 वाट पर मीटर केल्विन। उसके बाद वो बोलता आल्सो फाइंड इंटरमीडिएट टेंपरेचर। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है वो इंटरमीडिएट टेंपरेचर निकालो। इंटरमीडिएट टेंपरेचर मतलब कौन सा, हमने डेरिवेशन में भी बताया था, ये जो दो मटेरियल जहां पर जुड़ते हैं, ये दो मटेरियल जहां पर जुड़ते हैं उसका जो टेंपरेचर रहता है उसको इंटरमीडिएट टेंपरेचर बोलते हैं। यहां पे मैं टेंपरेचर्स के नाम देना स्टार्ट करता हूं। इनर साइड में सबसे पहला मैंने टेंपरेचर का नाम दिया T1, फिर ये क्लाउड और ग्लास वूल जहां पे जुड़ा है यहां का मैंने टेंपरेचर का नाम दिया T2, ग्लास वूल और स्टील जहां पे जुड़ रहा है यहां का टेंपरेचर का मैंने नाम दिया T3, और जो बाहर टेंपरेचर है उसका नाम दिया मैंने T4। इस तरीके से मैंने चार टेंपरेचर्स के नाम दिया है। दिख रहा है सबको, ये अपने गिवन डाटा निकाला है। अभी अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपने को रेट ऑफ हीट फ्लो, तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, अपने फॉर्मूला दिए थे कंपोजिट स्लैब के लिए। कंपोजिट स्लैब का न्यूमेरिकल देखो, ये यहाँ पे एक मटेरियल, ये दूसरा मटेरियल, ये तीसरा मटेरियल, तीन मटेरियल है। और मैंने बताया कंपोजिट स्लैब मतलब क्या, एक से ज्यादा मटेरियल जब भी रहेंगे अपना न्यूमेरिकल कौन सा, कंपोजिट स्लैब का। यहाँ पे कितने मटेरियल दिए हुए, तीन मटेरियल दिए हुए, कंपोजिट स्लैब का न्यूमेरिकल है तीन। तो Q का फॉर्मूला कंपोजिट स्लैब के लिए क्या, क्यू इक्वल्स टू एरिया ब्रैकेट में आउटर इनर साइड का टेम्परेचर माइनस आउटर आउटर साइड का टेम्परेचर। आउटर इनर साइड का टेम्परेचर कितना यहाँ पे T1 माइनस आउटर आउटर टेम्परेचर कितना है T4। ये कंपोजिट स्लैब का डिवाइडेड बाय पहले मटेरियल का लेंथ डिवाइडेड बाय उसका थर्मल कंडक्टिविटी। तो पहले मटेरियल की लेंथ क्या लेते हैं अपन, X1 डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी डिनोट करेंगे हम K1 से, प्लस कितना मटेरियल दूसरा मटेरियल की, तो यहाँ पे X2 डिवाइडेड बाय K2, प्लस और तीसरा मटेरियल से यहाँ पे आएगा X3 डिवाइडेड बाय K3। हरदम आपको थर्मल कंडक्टिविटी या कंपोजिट स्लैब का जो न्यूमेरिकल है इसमें याद रखना है, एक्स ये होता है लेंथ ऑफ स्लैब या लेंथ ऑफ मटेरियल। इसकी जो यूनिट लेना है हरदम आपको कितनी लेना है, टाइम लेना है मीटर में। अगर मीटर में नहीं दिया तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थर्मल कंडक्टिविटी के हरदम यूनिट आपको लेना है W = वाट पर मीटर केल्विन। और उसके बाद में आपको जो टेम्परेचर लेना है वो पूरे थर्मल में आपको टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है। तो आप सबसे पहले देख लेते कि ये जो चीजें अपने को चाहिए, ये चीजें अपने को यूनिट वही दिया हुआ है क्योंकि एक्स लेंथ ऑफ स्लैब मीटर, यहाँ पे देखो प्लाईवुड की जो लेंथ दी है 12 mm दिया है, mm दिया है मीटर में है क्या नहीं, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन निकालेंगे क्या, ये अपना X1 है, X1 इक्वल्स कितना हो जाएगा mm 12 × 10⁻³ मीटर। कभी भी याद रखना अगर mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करने का उसको 10⁻³ से, क्लियर है। फिर ये आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻²² से, ये हो जाएगा 2 × 10⁻²। फिर से ये X2 की वैल्यू होगी, ये X3 आपको क्या दिया mm में, तो एक हो जाएगा 1.8 × 10⁻³ मीटर, क्लियर है। तो लेंथ तो अपन ने कन्वर्ट कर दिए, थर्मल कंडक्टिविटी वाट पर मीटर केल्विन में होना, ये भी वाट पर मीटर केल्विन में, ये भी वाट पर मीटर केल्विन में, ये भी वाट पर मीटर केल्विन में। उसके बाद में टेंपरेचर होना आपको केल्विन में, पर यहां पे T1 आपको टेंपरेचर दिखना है डिग्री सेल्सियस में। तो हरदम डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो वो वैल्यू को प्लस कर देगा 273 से। यहां पे आपको दिया है -10 +273, ये कितना केल्विन हो जाएगा अपना 263 केल्विन। तो टेंपरेचर T1 की वैल्यू अपने को दिया हुआ कितना 263 केल्विन। उसी तरीके से T4 अपने को कितना दिया 22 डिग्री सेल्सियस, तो ये 22 +273, ये कितना हो जाएगा अपना 293 केल्विन। ये सारी चीजें अपन ने जो यूनिट चाहिए उसमें कन्वर्ट कर दिए। तो अभी अपने को वैल्यूज क्या करना है, पुट अप करना है। अपने को निकालना क्या, रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब Q/A। ये जो फॉर्मूला दिया है अपन Q/A के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो Q तो इधर साइड में रहेगा, ये A
इक्वल्स टू इधर साइड में लाइन में न्यूमरेटर में मतलब मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू इधर साइड में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में तो ये हो जाएगा क्यू बाय ए इक्वल्स टू टी वन माइनस टी फोर डिवाइडेड बाय एक्स वन बाय के वन प्लस एक्स टू बाय के टू प्लस एक्स थ्री बाय के थ्री ये तीन चीजें होगी। तो आपको अपने को क्या करना है टेम्परेचर की वैल्यू पुट अप करना है। T1 की वैल्यू कितना है अपन ने अभी निकाले 263 माइनस T4 की वैल्यू कितना है 293 यहाँ पे पुट अप किया मैंने डिवाइडेड बाय X1 कितना है 12 इनटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय K1 K1 बोले तो पहले मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी पहला मटेरियल कौन सा अपना प्लाऊ प्लाऊ की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी रहेगी 0.052 क्लियर है प्लस X2 बोले तो सेकेंड मटेरियल क्या है उसकी लेंथ 2 × 10⁻²⁻² डिवाइडेड बाय उसकी और थर्मल कंडक्टिविटी सेकेंड मटेरियल कौन था अपना ग्लास वूल ग्लास वूल की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 0.14 प्लस X3 बोले तो थर्ड मटेरियल उसकी लेंथ कितनी दी आपने को 1.8 × 10⁻³⁻³ डिवाइडेड बाय K3 बोले तो थर्मल कंडक्टिविटी और थर्ड मटेरियल के क्या अपना स्टील स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी दी आपने को 23.2 तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप लोग यहां पे मिलेगा q/a = अपने को मिलता है पूरा ये वैल्यू पुट अप करने के बाद में आपको आएगा वैल्यू आएगा -85.62 वाट पर मीटर स्क्वायर कितना -85.62 वाट पर मीटर स्क्वायर ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया। पहली चीज अभी आप लोगों को निकालना है इंटरमीडिएट टेंपरेचर। तो यहां पे इंटरमीडिएट टेंपरेचर देखो ये एक मटेरियल का इंटरमीडिएट टेंपरेचर है मतलब अपने को निकालना है T2 की वैल्यू या दूसरे मटेरियल के बीच में का इंटरमीडिएट टेंपरेचर मतलब ये है अपना T3 की वैल्यू। और मैंने जब डेरिवेशन पढ़ाया तब मैंने बताया था कि जो अपना रेट ऑफ हीट फ्लो रहता है स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो अपना रेट ऑफ हीट फ्लो ये जो रहता है रेट ऑफ हीट फ्लो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या रहता है कि ये पहले मटेरियल इज इक्वल टू दूसरे मटेरियल का रहता है इज इक्वल टू तीसरे मटेरियल का रहता है रेट ऑफ हीट फ्लो हरदम स्टेडी स्टेट कंडीशन में पूरे मटेरियल के लिए सेम रहता है। तो अपने को टेम्परेचर कौन सा निकालना है T2 ये पहले मटेरियल के बीच में आ रहा है T2 अपन रेट ऑफ हीट फ्लो लगाते हैं पहले मटेरियल के लिए। तो पहले मटेरियल के लिए क्यू बाय ए इक्वल टू पहले मटेरियल का आउट इनर टेम्परेचर कितना है T1 माइनस पहले मटेरियल का आउटर टेम्परेचर अभी ये भूल जाओ इधर के दो मटेरियल भूल जाओ इसलिए आउटर टेम्परेचर ये रहेगा कि आपको कितना रहेगा अपना T2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बोले तो पहले मटेरियल का रेजिस्टेंस ही लेंगे अपन पहले मटेरियल की लगा रहे तो यहां पाएंगे X1 डिवाइडेड बाय K1 क्यू बाय ए की वैल्यू पता है अपने को कितनी है -85.62 इक्वल्स टू T1 की वैल्यू पता है कितना है 263 माइनस T2 की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय X1 की वैल्यू कितना है 12 × 10⁻³⁻³ डिवाइड में K1 लेआउट का A की वैल्यू कितनी है 0.052 तो इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो यहां से मेरे को वैल्यू मिलेगी T2 की और T2 की वैल्यू मेरी आ रही है 282.75 केल्विन क्लियर है। तो मेरा इंटरमीडिएट टेम्परेचर में से पहला टेम्परेचर निकल गया अभी मेरे को निकालना है T3 ये काय के बीच में है तो कौन सा मटेरियल है ये सेकेंड मटेरियल के बीच में। तो अभी मैं रेट ऑफ हीट फ्लो जो लगाऊंगा कौन से मटेरियल के लिए लगाऊंगा सेकेंड मटेरियल के लिए। तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्यू बाय ए इक्वल्स टू सेकेंड मटेरियल का इनर साइड का टेंपरेचर अभी ये वाला दोनों भूल जाओ अभी सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है सेकेंड मटेरियल ग्लास वूल के ऊपर में क्लियर है। तो इसमें सेकेंड मटेरियल का जो इनर वाला टेंपरेचर कौन सा है अभी T2 माइनस आउटर वाला कौन सा है T3 यहाँ का जाएगा T3 डिवाइडेड बाय अभी जो रेजिस्टेंस रहेगा कौन सा इसका रहेगा सेकेंड मटेरियल का। तो सेकेंड मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या रहेगा अपना X2 / K2 तो क्यू बाय ए की वैल्यू आपको पता है आपने फाइंड किया कितना -85.62 इक्वल्स टू टेंपरेचर T2 अभी फाइंड आउट किया कितना है 282.75 माइनस T3
थ्री अपने को फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय एक्स टू की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻²⁻², डिवाइडेड बाय K2 बोले तो सेकंड मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी, सेकंड मटेरियल होता है ग्लास हूल, ग्लास हूल की थर्मल कंडक्टिविटी कितना है 0.14, यहां से मैं फाइंड आउट कर लूंगा E3, तो मेरी E3 की वैल्यू आ रही है 294.98 केल्विन। तो इस तरीके से ये हर बार आपको न्यूमेरिकल कंपलसरी और कंपलसरी एक न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा आपका हीट कंडक्शन थ्रू कंपोजिट स्लैब के ऊपर, तो कंपलसरी एक न्यूमेरिकल हर दम आपको 6 मार्क का मिलेगा ही मिलेगा। और यही चीजें निकालने बोलेंगे आपको रेट ऑफ हीट फ्लो और इंटरमीडिएट टेम्परेचर। तो सभी लोग इसको देखिए, बार बार देखिए और इसको नोट डाउन रुका क्या नोट डाउन करिए आप इसमें बार बार देखिए, और इसको नहीं समझ में आ रहा और वीडियो देखिए और उसके बाद में भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए। तो आज के वीडियो में अपन ने क्या पढ़े अपन वो एक बार देख लेते हैं। आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या चीज़ पढ़े वो एक बार अपन यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने पढ़े कि फोरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है, फोरियस लॉ पढ़े, हीट कंडक्शन का जो लॉ है वो फोरियस लॉ। उसके बाद में थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो गया उसकी डेफिनेशन पढ़े, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़े, फिर कंपोजिट वॉल से थ्रू हीट ट्रांसफर, कंडक्शन से थ्रू हीट ट्रांसफर कैसा होता है वो देखे। उसके बाद में अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसके बाद में अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया किसके लिए कंपोजिट वॉल के लिए, उसके बाद में अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए किस चीज़ के लिए कंपोजिट वॉल के लिए। तो ये आज के वीडियो में अपन ने इतनी सारी चीज़ें अपन ने आज के न्यूमेरिकल में पढ़े। उसके बाद में ये प्रोग्राम आउटकम्स है जो आज के न्यूमेरिकल से अपना सेटिस्फाई होते हैं। आज के न्यूमेरिकल में अपन ने क्या क्या पढ़े, पहले तो फोरियस लॉ पढ़े, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस, उसके बाद में डेरिवेशन फार्मूला देखिए, उसके बाद में अपन ने उसके ऊपर में न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और ये प्रोग्राम आउटकम्स है जो आज के वीडियो से अपने क्या होते सेटिस्फाई होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो MSBT में फ्रिक्वेंटली आपको पूछे जाते हैं, ये वाले आज के वीडियो जो अपन ने टॉपिक पढ़े उस टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको MSBT में हरदम हर पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट फोरियस लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर। तो जो अपने फोरियस लॉ पढ़े सबसे पहला उसका हीट ट्रांस वो वाला लॉ लिखना आपको, उसके बाद में डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी एंड गिव इट्स यूनिट ये भी अपन ने पढ़ लिए, फिर उसके बाद में थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है गिव इट्स यूनिट, और ये यहाँ पर दो न्यूमेरिकल दिए हुए। तो ये न्यूमेरिकल जैसा मैंने एक न्यूमेरिकल इस वाले वीडियो में सॉल्व करा है उसी तरीके से आपको वीडियो को जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो उसको बार बार देखना है, बार बार देखना है, और उसके बाद में आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो वो मेरे को पूछ लेंगे, पर ये वाले न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा आपके काम के न्यूमेरिकल है। क्लियर है ये? तो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज से वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे दी हुई है। सो थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।